यूपी के अमरोहा में बेटियों से हुई छेड़छाड़ की शिकायत करने पर एक पिता की हत्या कर दी। अमरोहा में डिडौली इलाके के साइदाबाद गांव के इस घर में मातम है। घर की दो बेटियों से स्कूल जाते वक्त मंचलों ने छेड़छाड़ की थी। पिता शिकायत करने के लिए आरोपियों के घर पहुंचे। इसी बात से नाराज होकर मंचलों ने अपने साथियों के साथ ताहिर को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान ताहिर की मौत हो गई। यहाँ पे आके हमारे अब्बू के ऊपर लट लेकर आ गए और हमने अब्बू को मारा मारा और मेरे सारे जने आ गए मेरे सारे जने कुल्ली बजा के ले आए और अब्बू को मारा। और पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। 100 नंबर पे कॉल करने पर पुलिस की मोबाइल तो तत्काल ही जाती है। वैसे आपने मेरे संज्ञान में ये बात ले आई है तो मैं इसकी जाँच अवश्य कराऊँगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ताहिर के साथ मारपीट की शिकायत 100 नंबर पर दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस देर से पहुंची। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर आसिफ समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। बारिश और लैंडस्लाइड के बाद 300 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। उधमपुर के पास खैरी इलाके में कल देर रात लैंडस्लाइड हुई थी। हाईवे बंद किए जाने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हाईवे फिर से खोलने के लिए बॉर्डर रोड कर्मचारी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। J&K नेशनल हाईवे पर जाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह जम्मू पुलिस ने लोगों को दी है। J&K नेशनल हाईवे पर चैनानी सुरंग बनाने में जुटे कर्मचारियों और मशीनों को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने वाला हाईवे है ये। स्पेन के बुनोल शहर में टोमेटिनो फेस्टिवल मनाया गया है। भीड़ में शामिल 20,000 लोगों ने एक दूसरे पर करीब 1.5 लाख किलो टमाटर फेंक कर टोमेटिनो फेस्टिवल मनाया। टमाटर से लदा ट्रक जैसे ही भीड़ में पहुंचा, लोगों का जोश दोगुना हो गया। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर टमाटर फेंके। कुछ लोगों ने टमाटर से चेहरे को बचाने के लिए चश्मा लगाया हुआ था और कुछ लोगों ने रुमाल से चेहरा ढका था। कुछ लोग टमाटर के रस में भरी गली में लेटे हुए भी दिखाई दिए। विदेशों से आए पर्यटकों ने कहा कि वो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए बार बार स्पेन आना चाहेंगे। टोमेटिनो फेस्टिवल की शुरुआत 1945 में हुई थी, जब बुनौल में अचानक लोगों ने एक दूसरे को टमाटर मारने शुरू कर दिए। एक वक्त टोमेटिनो फेस्टिवल में 45,000 लोग हिस्सा लेते थे, लेकिन अब इसके लिए टिकट लगा दी गई है। टोमेटिनो फेस्टिवल में अब 22,000 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। 5,000 स्थानीय लोगों की एंट्री फ्री होती है, बाकी लोगों को 10 यूरो की टिकट खरीदनी होती है। जनरल फ्रांको की तानाशाही के दौरान 1950 में इस फेस्टिवल को बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया।